गाड़ी ऐसी रुकती है सरकार में, एक आदमी बदल गया है कि वो दूसरा ज्ञानी आता है वो दूसरा काम शुरू करता है, क्योंकि सरकार में ज्ञानियों की कमी नहीं है। देखो, चमत्कार के बिना कोई नमस्कार नहीं करता। जब पैसा बचेगा तो तुमको बताने की जरूरत नहीं। अभी मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिक लो तो लोग खुद ही करने वाले हैं। लातूर में मैं एक ब्रिज देख के आया और अभी हमने ये किया तो हमारे कम से कम 80,000 करोड़ की तो हमारे डिपार्टमेंट में बचत हो जाएगी। इतने हम लोग ब्रिज हाईवे बना रहे हैं, मेट्रो में ये हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। अभी एक टेक्नोलॉजी आई है मलेशिया से और जिसके लिए अभी हमने हमारे यहाँ भी वो काफ़ी बड़े प्रमाण पर उपयोग कर रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पियर ये मैक्सिमम हमारे यहाँ 30 मीटर है, जैसे मेट्रो के भी खड़े आपके यहाँ। पर मलेशिया ने जो टेक्नोलॉजी तैयार की वो 100 मीटर 120 मीटर तक होता है। लातूर में मैं एक ब्रिज देख के आया और अभी हमने ये किया तो हमारे कम से कम 80,000 करोड़ की तो हमारे डिपार्टमेंट में बचत हो जाएगी। इतने हम लोग ब्रिज हाईवे बना रहे हैं, मेट्रो में ये हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। जो हमारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर है यहाँ बैठे हुए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि ये हमारे कंस्ट्रक्शन में जो डिस्टेंस बिटवीन टू पियर है इसको अगर ये प्रीकास्ट किया जाएगा तो आप तो पहला प्रीकास्ट की इंडस्ट्री हमारे यहाँ बड़े प्रमाण पर कैसे शुरू हो हर डिस्ट्रिक्ट में, इसके लिए हमने प्रयास करने चाहिए जिससे फ्लैश का कंजम्पशन उसमें ज़रूर होगा। मैंने कुछ प्रोडक्ट देखे उसकी क्वालिटी अच्छी थी, क्वालिटी एंड कॉस्ट प्रूवन टेक्नोलॉजी, बाद में अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मार्केटेबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इकोनॉमिक वायबिलिटी, चारों बातें जब होगी तो ही प्रोडक्ट का फायदा होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी मैंने वहाँ पाल की ब्रिक्स देखी, उनने उसमें 40% क्ले में फ्लैश डाल दिए। अब आप यहाँ ऐसा कार्यक्रम करने के बजाय, ईंटें बनाने वाले कम से कम 250-300 लोग हैं, जिनको पहुंचाना है उनके पास नहीं पहुंचाती, ये प्लास्टिक वाला है गिरदारी, इसको बता के क्या फ़ायदा होगा। और वो कुम्हार लोगों को बुलाइए और उनको ये पाल वालों ने जो किया है कि 40% से इन्वायरमेंट की भी रक्षा होगी। देखो, चमत्कार के बिना कोई नमस्कार नहीं करता। जब पैसा बचेगा तो तुमको बताने की जरूरत नहीं। मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिक लो तो लोग खुद ही करने वाले हैं, केवल उसमें फ़ायदा दिखता है तो लोग दौड़ने लगते हैं। हमारा मकसद यही है कि हम लोगों को फ़ायदा कितना मिल रहा है ये लोगों को समझाएं और उनको काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। मुझे बहुत खुशी है कि फ्लैश का ये यूटिलाइजेशन के लिए इन्वायरमेंट और इकोलॉजी दोनों की दृष्टि से, और ये एक्सपोर्ट वगैरह हो नहीं पाएगा, उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट पुराएगी नहीं। गाड़ी ऐसी रुकती है सरकार में, एक आदमी बदल गया है कि वो दूसरा ज्ञानी आता है वो दूसरा काम शुरू करता है, क्योंकि सरकार में ज्ञानियों की कमी नहीं है और हर आदमी नया आता है वो नया ज्ञान सिखाता है, तो इसलिए ये तकलीफ होती है। तो पर ये हमने करते रहना चाहिए, इसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मैं आपको बधाई देता हूँ। अभी मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में जो काम हो रहा वो देखने का मौका मुझे मिला, तो पटेल इंजीनियरिंग करके बड़ौदा की कंपनी है, उनने प्रीकास्ट में अंडरपास और काफ़ी बातें प्रीकास्ट में अच्छी तरह बनाई। हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, रोड कंस्ट्रक्शन में, ब्रिज कंस्ट्रक्शन में हम प्रीकास्ट को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें, इसमें जो इंजीनियर्स की इंस्टीट्यूशन है उन्होंने भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। ये हर डिस्ट्रिक्ट में अगर हो जाएगा तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम होगी, पोल्यूशन कम होगा और वेस्ट मटेरियल का यूज़ भी होगा।